नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप को लेके श्रीलंका टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराए हुए थे, मतलब कि वो जो है क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अभी जो फाइनली श्रीलंका है वो 2019 का वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुकी है, और उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया है, क्या है पूरा माजरा, ये वीडियो में हम सारी बातें करने वाले। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट और IPL से खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ICC ने दोस्तों जो है फाइनली श्रीलंका को 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया है, मतलब अभी वो जो है टॉप 8 टीम में आ गई है, और जो श्रीलंका है वो 2019 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने वाली है। दोस्तों कुछ समय पहले जो है श्रीलंका के ऊपर संकट के बादल थे, मतलब कि वो जो है 2019 का वर्ल्ड कप खेलेगी कि नहीं खेलेगी, क्या उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा पूरे बातें फैल रही थी। लेकिन जो फाइनली जो ICC है उन्होंने जो है ऐलान कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो श्रीलंका है वो 2019 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और फाइनली खेलने वाली है। तो दोस्तों ये जो मतलब हुआ कैसे कि मतलब कि जो ये जो मैच चालू है अभी वेस्टइंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड ने दोस्तों जो है फर्स्ट वनडे में वेस्टइंडीज़ को हरा दिया है, और इसी के साथ दोस्तों जो है मतलब वेस्टइंडीज़ के कुल ICC में 78 पॉइंट्स है और जो श्रीलंका है उसके 86 पॉइंट्स है। मतलब कि जो श्रीलंका है वो वेस्टइंडीज़ से पॉइंट के मामले में आगे है। तो ऐसे करते हुए दोस्तों जो मतलब टॉप 8 टीम है उसमें श्रीलंका आ गई है, और जो वेस्टइंडीज़ है वो ICC नंबर में पिछड़ गई है। मतलब कि ऑटोमेटिकली जो श्रीलंका है वेस्टइंडीज़ से आगे चली गई है, और जो श्रीलंका है ऑफिशियली 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ICC का ये रूल है कि मतलब वनडे रैंकिंग में जो भी टॉप 8 में है, मतलब 1 से लेके टॉप 8 तक रैंकिंग में है ICC में, तो वो जो टीम है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाती है। और श्रीलंका जो है अभी फ़िलहाल नंबर 8 पे है, तो जिसके चलते जो है श्रीलंका ऑटोमेटिकली 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब बात करते हैं वेस्टइंडीज़ की। वेस्टइंडीज़ के 78 पॉइंट्स है, तो वो मतलब क्या 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। जो मतलब ICC का एक और नियम है कि जो वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेलती है, तो ऐसे में टॉप 8 टीम जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है, और बाकी की जो 2 टीम बचती है उनको जो है ICC क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। मतलब कि जो ICC का क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें जो है वेस्टइंडीज़ की टीम खेलेगी, अगर वो उसमें जीतेगी तो जो जाके जो है 2019 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकती है। अब बात करते हैं कौन सी टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी वर्ल्ड कप 2019 का। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहला नाम तो आता है वो है वेस्टइंडीज़, उसके बाद अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड। ये सभी टीम जो है मतलब ICC क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी 2019 का। इसमें से जो टीम जीतेगी वो ऑटोमेटिकली 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो अब बात करते हैं टॉप 8 टीम की जो 2019 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने वाले हैं ऑटोमेटिकली और उसको खेलने वाले हैं। इसमें जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तो ये है टॉप 8 टीम जो 2019 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई है। इसमें जो है श्रीलंका का भी नाम है, क्योंकि श्रीलंका जो है अभी फ़िलहाल ICC वनडे रैंकिंग में टॉप 8 में आ गई है, क्योंकि वेस्टइंडीज़ जो है वो इंग्लैंड से हार चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।